इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के शेड्यूल का ऐलान आज कर सकता है, चुनाव कर सकता है अगले हफ्ते ऐलान। और अब आज हिमाचल चुनाव के शेड्यूल का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है, वहीं गुजरात चुनाव के शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है, और आज हिमाचल चुनाव के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है, राजनीतिक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात चुनाव को लेकर अगले हफ्ते ऐलान हो सकता है, वहीं हिमाचल चुनाव के शेड्यूल का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग आज हिमाचल चुनाव को देखते हुए शेड्यूल का ऐलान कर सकता है, वहीं गुजरात चुनाव की तैयारियों को लेकर उसके शेड्यूल का ऐलान चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए बिल्कुल, और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे और संभावना है कि गुजरात चुनाव है और इसके अलावा हिमाचल चुनाव है, उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि गुजरात का जो चुनाव शेड्यूल है वो अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को ऐलान किया जाएगा, तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि आज केवल हिमाचल के चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन परंपरा के तौर पर अगर देखें, चुनाव आयोग जब दो राज्यों की तिथि नजदीक होती है, क्योंकि हिमाचल में जब नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चुनाव उससे पहले यहाँ पर करा लिया जाएगा, जबकि गुजरात में दिसंबर में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना है, तो ये प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाएगी चुनावी, और यही बस बताया जा रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें चुनावी शेड्यूल ये बताया जा रहा है कि हिमाचल का पहले अनाउंस होगा, जबकि अगले हफ्ते गुजरात का। तो फिलहाल अभी तक स्थिति साफ नहीं है। ये जरूर बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के ने 2 दिन पहले ही गुजरात का दौरा पूरा किया है, और जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उसका शेड्यूल बनाया जाता है, जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उसका ऐलान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये काफी दिलचस्प चुनावी मुकाबला गुजरात का माना जा रहा है, लिहाजा इस तारीखों पर नजर लगी। प्रदीप, जिस तरीके से आपने ही बताया, और अगर दो अलग अलग विधानसभा के चुनाव होने हैं, दो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, और अगर कुछ वक्त हो, 1-1.5 महीने का वक्त बचता है, तो अधिकतर बार ये देखा गया है कि चुनाव आयोग दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ करा देता है। ऐसे में क्या संभावना ये भी है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग आज गुजरात का शेड्यूल भी, उसके बारे में भी कुछ ऐलान कर दे? देखिए बिल्कुल, इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का यह फैसला होगा, और निश्चित तौर पर यहाँ पर यह देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या दोनों राज्यों की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि गुजरात का चुनाव अगले हफ्ते ऐलान किया जा सकता है, सोमवार या मंगलवार को। तो जरूर है कि चुनाव आयोग का ये अधिकार क्षेत्र है, और ऐसे में वो क्या इस पर यहाँ पर स्थिति है, तो देखना होगा। अभी इंतजार करना होगा 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी।